नमस्कार, न्यूज कनेक्ट में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी और उनकी पत्नी ने वोट डालने से पहले गौ पूजा की है। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। खुद रेवंत दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। कामरेड्डी सीट से वो मुख्यमंत्री केसीआर को टक्कर दे रहे हैं। गाय की पूजा करने के बाद रेवंत ने दावा किया है कि कांग्रेस राज्य में चुनाव जीत कर सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए ये भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने तेलंगाना में कांग्रेस के पक्ष में लहर पैदा कर दी है। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हैदराबाद में वोट डाला। अजहर जुबली हिल सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्रिकेट के मैदान में अपनी कलाई के खेल के लिए मशहूर अजहरुद्दीन ने जनता से भारी संख्या में वोट डालने की अपील की और ये भी कहा कि आप वोट नहीं देते हैं तो आपको सवाल पूछने का कोई भी अधिकार नहीं है। उधर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना वोट डाला और नेताओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जनता से वोट डालने की अपील की। तेलंगाना में फिल्मी सितारों ने भी वोट डाले। सुबह 7 बजे से ही सितारों के जुबली हिल्स में हलचल शुरू हो गई। सबसे पहले नजर आए मेगा स्टार नागार्जुन। अपने परिवार के साथ नागार्जुन वोटिंग केंद्र में गए। वहीं मेगा स्टार चिरंजीवी ने भी जुबली हिल्स के मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस बीच पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन ने भी अपना वोट दिया। पोलिंग स्टेशन पर सेल्फी लेने की कोशिश में उनके फैंस भी नजर आए। एक्टर जूनियर NTR भी अपने परिवार के साथ हैदराबाद में पोलिंग बूथ की लाइन में खड़े नजर आए। तमिलनाडु में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से तूफान जैसे हालात पैदा हो गए हैं। चेन्नई और उसके उत्तरी समुद्र किनारे के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। चेन्नई में कई इलाकों में पानी जमा है। कांचीपुरम जिले में भी सामान्य जनजीवन पर बारिश ने असर डाला है। सैदापेट इलाके में भारी बारिश की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उधर तमिलनाडु के अर्नाकोनम इलाके में मौसम विभाग ने तूफान की चेतावनी दी है और उसके बाद से NDRF की टीमों को तैयार रहने को कहा गया है। बॉलीवुड के अभिनेता रणदीप हुड्डा ने मणिपुरी मॉडल और अभिनेत्री लिन लैशराम के साथ शादी कर ली है। मणिपुर के इम्फाल में ये जोड़ा अपने करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में शादी के बंधन में बंध गया। दोनों ने डिजाइनर ड्रेस छोड़कर पारंपरिक मणिपुरी कपड़ों में विवाह कर लिया है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ कनेक्ट।